विश्व गुरु विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा विवेकानंद मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में राजऋषि महाविद्यालय में स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप दान कर नमन किया गया। मनोज चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयंत यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल ने की। जयंत यादव ने बताया कि भारत की पुण्य भूमि रत्न गर्व है, समय समय पर उनके गर्व से ऐसी मानव रत्नों का जन्म होता रहा है जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद भी एक ऐसे ही ज्ञान रत्न थे, विश्व धरा आज भी उनकी ऋणी है। जितेंद्र गोयल ने कहा कि शिकागो का सम्मेलन हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब भारत के एक युवा सन्यासी पश्चिमी देशों सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था तथा भारत को विश्व गुरु के रूप में एक बार फिर पुनः स्थापित कर दिया था। इस दिन का जिक्र करते हुए हर भारतीय की छाती गर्व से भर जाती है। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि जब भी स्वामी विवेकानंद का जिक्र होता है अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में भाषण की बात जरूर की जाती है। यही वह दिन था जब पूरा विश्व भारत के एक युवा तपस्वी का मुरीद हो गया था और भारत को अपना विश्व गुरु मानने के लिए मजबूर हो गया था। कार्यक्रम संयोजक अमित कश्मीरी रहे। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया प्रभारी विजय कोहली, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, जिला महामंत्री भाविक जोशी, हिमांशु पारिक, विक्की सैनी, चतर गुर्जर, सुमित शर्मा, खुश कौशिक, सुरेंद्र यादव, मोहन चौहान, शील यादव, विनोद यादव, रजत ठाकुरिया, नंदू बना, सुनील शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद मंडल के अध्यक्ष मनोज चौहान जी के नेतृत्व में आज स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर कल उनका की जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में दीपदान का एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया और वहाँ दीपदान के मान्यता।